हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे, ये जो वैकेंसीज निकली है ये नॉर्थन रीजन जियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया में निकली हुई है। यहाँ पे जैसे इन्होंने बता रखा है, नॉर्थन रीजन में निकली हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ नए जियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया में निकली हुई है। देन लिखे कि जो भी एप्लीकेशन आपने जो इसके लिए अप्लाई कर रहा है, इंडियन सिटीजन है, जो इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करता है, आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है सेंड कर सकते हैं। टोटल जो वैकेंसीज है 13 है। वैकेंसीज ऑफ ऑर्डनरी ग्रेड ड्राइवर की रहेगी, ग्रुप सी की है, नॉन गैस्ट्रल नॉन मिनिस्ट्रल रहेगी, इन जियोलॉजिकल सर्विस ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में रहेगी। यहाँ पे इन्होंने बता रखी है, डिटेल्स दे रखी है पोस्ट की कौन कौन सी है। फर्स्ट इन्होंने बता रखी है पोस्ट का जो नेम है, ऑर्डनरी ग्रेड ड्राइवर की है, नॉन गैस्ट्रल है, नॉन मिनिस्ट्रल है। टोटल जो वैकेंसीज दे रखी है 13 है, 8 आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में, 3 आपकी ओबीसी में, 1 आपकी एससी में एंड 1 आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है। देन यहाँ पे बता रखे जो ऊपर इन्होंने वैकेंसीज बता रखी है उसी में एक्स सर्विस मैन के लिए रिजर्व है। पे स्केल आपका जो रहेगा लेवल 2 का रहेगा, 19,900 से लेकर 63,200 के बीच आपकी सैलरी रहेगी। क्लासिफिकेशन बता रखी है जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी की है, नॉन मिनिस्ट्रल नॉन गेस्टर है। एज दे रखी है, एज लिमिट लिखे कि जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर रहा है उनकी जो एज है 25 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा दे रखे जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है उन्हें अप टू 40 ईयर्स तक की रहेगी, विद जो भी इंस्ट्रक्शंस एंड ऑर्डर्स रहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के टाइम टू टाइम के अकॉर्डिंग रहेगी। देन क्रूशियल डेट्स दे रखी हैं, आप क्या क्या रहेंगी इन दे रखी। क्रूशियल एज लिमिट के लिए रहेंगी जो इंडिया मतलब इंडिया में एप्लीकेशन की लास्ट डेट रहेगी, नॉट क्लोजिंग द। इसके अलावा जो यहाँ पे रहे इनको एक्स्ट्रा दी गई है कि हाँ इनकी जो डेट्स वगैरह वो अलग रहेंगी। एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, मेट्रिकुलेशन या उसके इक्विवेलेंट कोई भी स्टडी की होनी चाहिए, प्लस उनके पास एक लाइट मोटर व्हीकल एंड हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रक्स या जीप या ट्रैक्टर को मतलब वहाँ पे ड्राइव करने का किसी भी रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में, प्लस व्हीकल को उन्हें रिपेयर एंड मेंटेन करना आता होना चाहिए। प्लेस ऑफ वर्क लिखे काम करेगा नॉर्थन रीजन में रहेगा, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या फिर इसकी स्टेट यूनिट्स ऑफिस जो लोकेटेड है उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख में। और प्रोविजन पीरियड आपका जो है स्टार्टिंग में 2 ईयर्स का रहेगा, रेगुलर और टेम्परेरी, टेम्परेरी है बट मतलब स्टार्टिंग जैसे ने बता रखा 2 ईयर्स का आपका है बट इसके परमानेंट ही कर दिया जाएगा। ड्यूटीज दे रखी हैं कि लाइट मोटर व्हीकल एंड हैवी मोटर व्हीकल को ड्राइव करना होगा, कोई भी इसमें माइनर कोई रिपेयर या डिफेक्ट करने हो, व्हील्स वगैरह चेंज करने हो, ये दे रखे है, कार्बोरेटर को क्लियर करना हो या फिर क्लब को, ये यहाँ पे दे रखे है। देन सिलेक्शन बता रखी है कि आपकी जो सिलेक्शन वगैरह होगी ऑन द ओपन कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन होगा, जो भी एग्जामिनेशन का सिलेबस या पैटर्न होगा वो इसके साथ इनक्लोज किया हुआ है। जो आपके टेस्ट की डेट एंड मतलब वेन्यू रहेगा उसे एलिजिबल कैंडिडेट को इंटीमेट कर दिया जाएगा सेपरेटली। कोई भी कैंडिडेट लिखे कि जो कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा उन्हें इंटीमेट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे उन्होंने बता रखा है जो लास्ट डेट दे रखी है एप्लीकेशन की वो उसके बारे में हम बात कर लिखे कि आपने जो भी एनवलप सेंड करना है उसके ऊपर लिखा होना चाहिए कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ऑर्डनरी ग्रेड ड्राइवर की। देन आपने जो अपना एप्लीकेशन है यहाँ पे उन्होंने एड्रेस दिया हुआ है टू द डायरेक्टर हेड ऑफ ऑफिस नॉर्थन रीजन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सेक्टर ई अलीगंज लखनऊ 22/60/24 इस एड्रेस पे आपने सेंड करना है। 45 दिनों के अंदर अंदर जब भी इसका नोटिफिकेशन पब्लिश होगा, यहाँ पे दे रखे 23 जुलाई 2022 को पब्लिश हुआ तो इसकी लास्ट डेट रहेगी 11 सितंबर 2022 से पहले पहले आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है यहाँ पे मैं आपको एक बार हाईलाइट कर देती हूँ, इस एड्रेस पे आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है सेंड करना है, बाय पोस्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पे दे रखे अगर आपका एप्लीकेशन जो है लास्ट डेट के बाद या ड्यू डेट के बाद आएगा जो उन्होंने बता रखा उसे सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा एंड ऑफिस रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे लिखे कि जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है जो इसके लगता है कि इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं और नॉर्थ रीजन यानी इसकी स्टेट यूनिट्स में वो कहीं भी काम अपनी सर्विस दे सकती हैं तो उन्होंने वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट सेक्टर में है तो उन्होंने अपने प्रॉपर चैनल के थ्रू अपना एप्लीकेशन फॉर्म करना है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द सर्विंग डिपार्टमेंट से जो भी उसके टेस्टेड अपनी अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड कास्ट सर्टिफिकेट उन्होंने सारे इसके साथ अटैच करके भेजने हैं। अदर इन्फॉर्मेशन दे रखी है अगर आपका एप्लीकेशन है इनकम्प्लीट है, एलिजिबल है, अनसाइंड है या आपने इसके साथ डॉक्यूमेंट अटैच नहीं किया उसे सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो लिखे कि मेयरली सेटिस्फाइड अगर कोई भी कैंडिडेट इसके एलिजिबिलिटी तो इसका मतलब ये नहीं कि उन सभी को मतलब रिटन टेस्ट या ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। एक स्क्रीनिंग कमेटी जो है आपके एप्लीकेशन रिसीव होंगे उनमें जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उन्हें जो है रिटन टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जो भी डिसीजन रहेगा वो स्क्रीनिंग कमेटी का फाइनल रहेगा कि हाँ इसके कोई भी आपको नहीं किया जाएगा, डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा अगर कोई भी आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई पोस्टल डिले हो रहा है। अगर कैंडिडेट सेंट्रल स्टेट या पीएससी वर्किंग है उन्हें प्रॉपर चैनल के थ्रू अपना अप्लाई करना है विद ऑब्टेनिंग उनके पास एनओसी एंड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए फ्रॉम द एम्प्लॉयर से। देन यहाँ पे इन्होंने बता रखे ये रहेंगे आपके
यहाँ इन्होंने इसके नीचे एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, तो यहाँ पे इन्होंने टोटल बता रखी है कितनी वैकेंसीज है, 13 वैकेंसीज है आपकी, ये नॉर्थन रीजन में रहेगी। तो आप जैसे यहाँ पे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे इन्होंने स्टार्टिंग में दे रखे ड्राइवर ऑर्डनरी ग्रेट नॉर्थन, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको इसका नोटिफिकेशन जो है आप सीधा जाके डाउनलोड कर सकते हैं, यहीं से आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे इन्होंने बता रखी है पूरी डिटेल्स वगैरह आपको यहाँ से मिल जाएगी। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।